नमस्ते दोस्तों, मम्मी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको घिउरा का फूल से सब्जी बनाना आपको बताएंगे। इसमें हमने घिउरा के फूल को अच्छी तरह से बनाकर इसे धो लिया है और दो घिउरा को, बड़ा बड़ा दो घिउरा को इसे हमने धोकर अच्छा से काट लिया है। स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, एक गांठ लहसुन ले लिए हैं, तीखा आपका जितना पसंद हो उसके अनुसार मर्चा और सरसों एक चम्मच ले लिए हैं। अब हम गैस को जला लेते हैं। कढ़ाई गर्म हो रहा है, उसके बाद इसमें हम तेल डालेंगे। तब तक हम लहसुन और सरसों मिर्चा को हम पीस लेते हैं। कढ़ाई गर्म हो गई, इसमें हम तेल रख देते हैं। के बाद इसमें मेथी का फोरन देंगे। मेथी ब्राउन हो गया, इसमें हम सरसों मिर्चा लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक और हल्दी, मसाला को 5 मिनट भून लेते हैं। मसाला भुना गया, घिउरा को डाल देते हैं। फूल को डाल देते हैं। घिउरा का फूल का सब्जी बहुत अच्छा बनता है, इसे आप लोग भी बनाकर एक बार इसका स्वाद का मजा लीजिए, ये बहुत अच्छा बनता है। अब इसे हम पूरा तरह से मिला लेते हैं और इसे हम ढक देंगे। इसे हम ढक देते हैं। सब्जी हम देख लेते हैं, सब्जी बन चुका है। अब इसे हम गैस को बंद कर देते हैं। और आप लोग के साथ हम सर्व कर देते हैं। ये घिउरा और घिउरा का फूल का ये सब्जी है, इसे आप लोग भी बनाइए और इसका मजे लीजिए। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नए रेसिपी के साथ, तब तक लिए थैंक यू।